अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह हूँ, मेरे साथ रजी ताहिर है और मैदान करबला से हमने आपको गाय बगाए आगाह भी किया, हमने आपको बताया इमाम हुसैन जी के रोजे की हाजिरी भी थ्रू कैमरा आप तक पहुंचाई और इस वक्त 7 किलोमीटर का फासला ये बनता है हमें कैसे मुकाम पर पहुंचे हैं कि जब आपके पास ताकत हो, आपके पास वो तमाम तर पावर हो और आपको लगे कि जिस शख्स के हाथ में बैत करने वाला हूं वहां पर कुछ नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज है जो वो सच्चाई है। सो ये मैं बात कर रहा हूँ मैदान करबला के पहले शहीद हजरत हुर के हवाले से कि इस वक्त हम उनके मेरे अकब में आप देख सकते हैं कि ये हजरत हुर जी का रोजा शरीफ है, हरम है। इस हरम में पहुंचते हुए हमें तकरीबन 7 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ा रिक्शे को, चूंकि हमने 5000 दिरहम दिए, भाई साहब दिनार दिया दिरहम दिए, सो ये पैसे दे के हम पहुंचे और पाकिस्तानी 1000 रुपया मांगता है, वैसे ही भी बता दे, सस्पेंस नहीं बनाते। रजी ताहिर, मैं चाहता हूँ रजी ताहिर इस पर थोड़ी सी बात करें इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से, हजरत हुर जी के हवाले से। अगर हम थोड़ा सा हिस्ट्री में जाएं तो हजरत हुर जो है इनका ताल्लुक यजीद के पावरफुल एक सालार के तहत इनका जाना जाता था और यजीद के जितने भी सालार थे उसमें से इनको ख़ास अहमियत हासिल थी और यही वो थे जिन्होंने जनाब इमाम हुसैन और उनके 72 रुफका का रास्ता रोका था जब वो कूफा की जानब जा रहे थे। 22 ज़ुल्हिज्जा कहते हैं तारीख में कि उन्होंने वहाँ से रास्ता रोक के इनको करबला की तरफ एक रेगिस्तान की तरफ डाइवर्ट किया था, जो कि यजीद की सोच थी कि एक रेगिस्तान में डाइवर्ट करके इनको बैत पर मजबूर किया जाए, अगर वो बैत पर मजबूर नहीं होते तो फिर उनका कत्ल कर दिया जाए। तो बहरहाल उसके बाद ये मैदान करबला में आते हैं, वहाँ पर एक बड़ा दिलचस्प वाक़ है जो जिस मुकाम पर हजरत हुर इमाम हुसैन से मिले थे, तो इमाम हुसैन को लोगों के जीने का कितना ज़्यादा एहसास था कि इनका लश्कर प्यासा था, इनके घोड़े प्यासे थे, आपके पास जितना पानी था आपने इनके लश्कर को, इनको घोड़ों को पिलाया, इनके बच्चों को पिलाया, इनके पूरे फौज को पिलाया। और फिर वही इमाम हुसैन है, जब वो करबला में आते हैं तो उनका पानी बंद कर दिया जाता है। तो बहरहाल जब 9 और 10 मुहर्रम की दरमियानी शब हुर की दिल की दुनिया बदलती है और वह इमाम हुसैन के सामने कदमों में आकर गिर जाते हैं, माफ़ी मांगते हैं और अपने माफ़ी मांगने के साथ शामिल हो जाते हैं। और जब मैदान करबला सजता है तो पहला जो जानसार इमाम हुसैन की जानिब से असहाब हुसैन में मैदान करबला होते हैं। एक बात जो आप देखें ना, आज की दुनिया में अगर आप देखें कि पावरफुल इस वक्त दुनिया में अमेरिका है, पावरफुल है, लड़ाई में पैसा सब कुछ है उसके पास है, यानी उस वक्त अगर बात करें यजीद के हवाले से तो यजीद एक पावरफुल, यानी ये जो रियासत थी ये कोई आम रियासत नहीं थी, बहुत बड़ी रियासत थी और एक बड़ी स्टेट के आप मालिक हो, इतने पावरफुल हो, फिर आप एक ऐसी पावरफुल रियासत के आप सिपहसालार हो, और मुश्किल होता है जब आप, हम भी आजकल देखते हैं ना, आजकल गजा की मिसाल को थोड़ी सी ले लेते हैं जी, बिल्कुल, कि गजा को अगर आप देखें कि गजा पे मजलूमों के साथ जो जुल्म हो रहे, ज्यादती हो रही, कोई बड़ा मुसलमान मुल्क अगर मैं कहूँ तो ना होने के बराबर है। मुसलमान मुल्कों में अगर बात करें, सऊदी अरब के पास बहुत सारा पैसा है लेकिन वो गजा का झंडा आप नहीं उठा सकते, हालांकि मेरे पास कुछ फुटेज वहां पे आई कि जो हाजी वहां पे गए थे उन्होंने फलस्तीन का झंडा उठाया, उनसे झंडा छीन लिया गया। यहाँ पे मैंने ये मनाजर देखे कि लोग फलस्तीन के झंडे के साथ, बल्कि मैं और आप भी इंटर हुए, बिल्कुल ऐसे, और किसी ने जोर जबरदस्ती नहीं की बल्कि उल्टा सपोर्ट किया। आप कह रहे हैं जो कुछ आप कह रहे हैं, ये किरदार है, हुर्रियत एक किरदार बन चुका है कि आपके पास ताकत भी हो, इख्तियार भी हो, सब कुछ छोड़कर आप उस सिम चले जाएं जहाँ हक है लेकिन कमजोरी है, एक दुनियावी तरह जहाँ पे लग रहा है कि जान चली जानी है लेकिन आप फिर भी सब कुछ छोड़कर उधर चले जाते हैं, तो ये वो किरदार है जो जनाब हुर ने निभाया है। जिसमें बात करें तो हम जो मिसाल दे रहे हैं कि देखिए गजा में आजकल जो खड़े हैं, यकीनन आज बहुत सारे लोग कहेंगे ये पागल हैं, जिस तरह मुझे बहुत सारे लिबरल, सो कॉल्ड लिबरल, आपके F11 में F10 के जो हैं सो कॉल्ड, वो मुझे कहते हैं ये पता नहीं कौन सा टेररिस्ट बन गया है, मुझे भी कहते हैं, आपको भी कहते हैं कि भाई साहब आप लोगों ने ठेका लिया है बोलने का, बहुत सारे लोग है बोल लेते हैं, तो मेरे ख्याल में आप यकीनन एक उस राह पे खड़े होते हैं जहाँ पे आपको हर तरफ कमजोरी, हर तरफ खौफ, डर, सब कुछ आपके इर्द गिर्द मंडलाता रहता है, फिर ऐसे कुछ लोग भी आपको डराते, देखिए भाई साहब आप तो कनाडा जाएंगे, हाँ उधर क्या होगा फिर आपके साथ, अमेरिका में क्या होगा, यूके का वीजा आपका लगना ही है, इस किस्म के इमिग्रेशन में प्रॉब्लम्स आएंगे, हाँ इस किस्म से डराया भी जाता है। ये भी कहा जाता है कि गजा तो खत्म हो गया, छीन लिया गया, सब कुछ हो गया,
तो आप कौन सी सिम्त खड़े हैं। तो ये सारी चीज़ें, ये मंजरनामा अगर आप अपने साइड पर रखें और उन गजा के मासूम लोगों को अगर आप देखें, तो आज का ये मंजरनामा भी कुछ इससे कोई बदला नहीं है। बिल्कुल ऐसा ही है। और अगर हम थोड़ा सा और इस पर बात करें कि हुर्रियत जो किरदार है उस पर बात करें, हाँ, तो मेरे ख्याल में माल और मता दुनिया जो है वो जिन्होंने हासिल की थी, यजीद लश्कर के और भी सालार थे, और भी सपा थे, वो सब कहाँ गए, तारीख में मिट गए। हम अभी थोड़ी देर पहले रूम में बैठे बात कर रहे थे कि एक मजजूब है बैलोल दाना, उसको लोग आज तक याद करते हैं। उसने कुछ तारीख में अपना मुस्बत रोल अदा किया है। बाबा गुरु जी नानक जो है वो वहां पे आए, और लोगों को आज भी पता है कि वो इराक की सरजमीन पर आए हैं, वो मुख्तलिफ अपने सफर में गए हैं, तो उन्होंने तारीख में एक किरदार अदा किया है। इन शख्सियात को जो है लोग याद करते हैं, तो जब इन शख्सियात को याद किया जाता है तो उनके पीछे एक तारीख होती है। तो बजा तौर पर जनाब हुर की कुर्बानी ये सदियों बल्कि क्यामत तक याद रखी जाएगी। रजी भाई बड़ी बात होती है, मैं समझता हूँ कि आप देखो किरदार आपने गिनवाए, बहुत सारे किरदार, बहुत सारे सिपहसालार, हत्ता के जो सिपहसालार का हिट था आज उसको लोग किस जुबान से याद करते हैं, यानी किन अल्फाज से याद करते हैं और किन अल्फाज का चुनाव उसके लिए करते हैं। मेरा ताल्लुक सुनके आपके मजहब से नहीं है, लेकिन मैं भी उस किरदार को जब देखता हूँ तो मुझ में अंदर से खून मेरा उबलना शुरू हो जाता है, नफरत, क्योंकि मैदान करबला को बड़ी करीब से मैं देख चुका हूँ। मैदान करबला में जो मैंने देखा, जो मैंने महसूस किया, वो बड़ा मुख्तलिफ है, और वो तजुर्बा मैं समझता हूँ कि दुनिया के हर बंदे को आना चाहिए। तो आज ये तमाम तर किरदार अगर जिंदा है, अगर ये किरदार जिंदा है और इन्होंने जो किरदार निभाई उस किरदार की बदौलत है। बिल्कुल ऐसे ही। और मैं जो राइट टू लिव की बात करता हूँ आर्मी लॉग में करता हूँ, बुनियादी तौर पर आज हमारे माशरे में इंसानी जान की जो है ना वो कीमत बड़ी छोटी रह गई है। बिल्कुल, बंदा मार देना समझा जाता है कि ये तो शायद कुछ है ही नहीं ना, एक किसी चींटी को मार दिया उससे बराबर हो गया। बलूचिस्तान में जो हो रहा है, पारा चिनार में जो होता रहा है, मियांवाली में जो हुआ, इंसानियत की तकरीम जो है वो बहुत ज्यादा जरूरी है। और जहां भी आप जब भी करबला आए, जब भी इन मुबारक आस्थानों पर आए, तो आपको यहाँ से एक दर्स जरूर लेना चाहिए, वह इंसान और इंसानियत की तकरीम। मुसलमान नहीं कह रहा, मैं इंसान कह रहा हूँ, क्योंकि एक इंसान जिसने कोई जुर्म ना किया होगा और बेखता कत्ल कर दिया जाए, इस्लाम ने उसे तमाम इंसानियत के कत्ल के मुतरादिफ करार दे दिया है। यानी अगर आप किसी एक इंसान को बेगुनाह कत्ल कर देते हैं तो आप पूरी इंसानियत के कातिल बनते हैं। तो इतनी बड़ी हदीस मौजूद है, इतनी बड़ी रवायत मौजूद है, उसके बावजूद हम देखते हैं लोग एक दूसरे का गला काट रहे होते हैं। तो ये वो दर्स है जो हम यहाँ से लेकर जा रहे हैं। रजी भाई, एक तो ये दर्स लेके जा रहे हैं, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, बहुत जिंदगी में बदलाव आया, बहुत सारी चेंजेस, बहुत सारे तजुर्बात लेके हम यहाँ से तो जा रहे हैं, लेकिन आज यहाँ पे आने का मकसद, मैंने और आपने इतना दूर का सफर, मौसम गर्म, सब कुछ होने के बावजूद यहाँ पे आने का मकसद ये है कि उस किरदार को भी हम आपके सामने ले आए, उस किरदार का जिक्र भी लाजिम है, उस अजीम हस्ती का भी जिक्र लाजमी है कि जिसका दिमाग, जिसकी सोच, जिसके ख्यालात, जिसके नजरियात, सब कुछ बदल जाता है। सामने देखता है कि मजलूम खड़े हैं, मासूम हैं उनके साथ, कि पानी नहीं है, खाना नहीं है, लेकिन फिर भी वो समझते हैं कि हाँ, ये जो इस साइड पे खड़ा है ये जालिम है, मजलूम इस साइड पे कमजोर है, पर मैंने मजलूम के साथ रहना है। आज वो किरदार तारीख के पन्नों में जिंदा है और हम समझते हैं कि हम बड़े खुशनसीब हैं, शायद हमें फिर जिंदगी मौका दे, साथ दे या ना दे।